नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार जगत में। इंदौर शहर में फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्लाट बेचे जा रहे हैं और प्लाट के बदले पैसे भी तुरंत लिए जाते हैं, लेकिन खरीदारों को उनके प्लाट पर कब्जा नहीं मिलता। उसके बाद सालों से प्लाट बेचने वाली कंपनियों के चक्कर लगाने के बाद भी खरीदारों के हाथ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं आता। निर्माण सहकारी संस्थाओं से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए। मेरा नाम लोकेश पिता नरेश चंद्र गंगराड़े है। मेरा निवास 158 इमली बाजार राजवाड़ा हेम इंडस्ट्री बिल्डिंग है। सन 1990 में मेरे पिताजी द्वारा प्लाट लिया गया न्याय नगर घर निर्माण सहकारी संस्था में, जिसके अलग अलग तीन किस्तों में 15-15 हज़ार रुपये मेरे द्वारा जमा कराए गए। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। आज मेरी उम्र 47 साल है। 30 साल से मैं प्लाट के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। इस घर निर्माण सहकारी संस्था में काफ़ी घोटालों में इस बारे में मैंने कलेक्टर को काफ़ी बार बताया। यहाँ पर जब जब भी जन सुनवाई हुई है या जो जो भी यहाँ पर भी इनका कार्यालय था, वहाँ वहाँ मैंने चक्कर लगाए हैं। वहाँ के रजिस्टर अनुक्रमण 179 में मेरा रिकॉर्ड है। मैंने कई बार वहाँ जाकर उनको रिकॉर्ड देखने के लिए गुहार लगाई या उनसे निवेदन किया, लेकिन हर बार मुझे वहाँ से भगा दिया गया या मुझे टाल दिया गया। आज तक मुझे इस संस्था द्वारा कोई भी लेटर प्रेषित नहीं किया गया, जबकि मेरा निवास स्थान आज भी वहाँ पर ही मौजूद है। इसके पहले मैं 23/1 स्नेतागंज में रहता था। आज भी वो मकान हमारा पैतृक मकान है, वो मकान आज भी मौजूद है। आज तक इस संस्था द्वारा कोई भी लेटर वहाँ नहीं भेजा गया है। समय समय पर मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन मेरी समस्या का निराकरण आज तक नहीं किया। आज भी मैं कलेक्टर साहब से मिला हूँ और मैंने उनको अवगत कराया कि मेरे पिताजी ने मेरी उम्र 17 साल थी जब वो ये प्लॉट लिया था। आज मैं 47 साल का हो चुका हूँ। क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं आप, उसके बाद मुझे प्लॉट मिलेगा? कलेक्टर साहब का जवाब था कि मैंने यहाँ पर ये संस्थाओं के सब रिकॉर्ड मंगाए हैं, इस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 2800 प्लॉट इस कॉलोनी में कटे हुए हैं। आज तक किसको मिले किसको नहीं मिले कोई जानकारी नहीं है। आज तक किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी मकान बने हुए हैं, वहाँ जिन लोगों के मकान बने एक भी उस जमीन का मालिक नहीं है, लेकिन मकान तान के वो शान से खड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने पैसे भरे, उसके बावजूद आज तक हमको ज़मीन को दिखाया भी नहीं गया और ना हमारे को आज तक कोई जवाब दिया गया। इस संबंध में कलेक्टर साहब से निवेदन कर करके थक गए, इस पर कार्रवाई की जाए। एक और मामला प्लाट के कब्जे संबंधित सामने आया, जिसमें 1997 में शिकायतकर्ता ने क्लासिक गृह निर्माण संस्था के मालिक चिराग शाह और अश्विनी मेहता से प्लाट खरीदा था। उसके पूरे पैसे भी जमा कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक प्लाट की रजिस्ट्री भी नहीं दी गई है। प्लाट के पूरे पैसे भर रखे चिराग शाह और अश्विनी मेहता, ये दोनों वहाँ के कर्ता धरता है। इनको पूरे पैसे दिए हमने, रजिस्ट्री के भी पैसे दिए, इनने रजिस्ट्री भी नहीं दी। ये रजिस्ट्री की फोटो काफी अभी हमने यहाँ से निकलवाई है रजिस्टर ऑफिस से। थाने में लसुड़िया थाने में कई चक्कर रिपोर्ट कर चुके हैं हमने। एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन दिया, कलेक्टर साहब जाने, इसमें भी हम पांचवी चक्कर आ रहे हैं। यहाँ से भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना टाइम हो गया? ये 1997 में लिया था। 1997 में लिया था मैडम, अब आप जोड़ लीजिए 1997 से कितना टाइम हो गया। अभी आप क्या चाहते हैं? ये हमको कब्जा मिलना चाहिए था। हमारे पिताजी और हम सब्जी बेच बेच के हमने पैसा इकट्ठा करा और आज हमको हक नहीं मिल रहा है। कलेक्टर साहब के यहाँ भी जाओ तो ये सिर्फ आश्वासन देते कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग। वो लोग पैसे दे के छूट जाते हैं और वहाँ ऑफिस में जाओ तो वहाँ भी गुंडे बैठे रहते हैं। उनसे ज़्यादा बोलो तो गाली गुप्ता करके भगा देते हैं। उनके मोबाइल नंबर भी है मेरे पास, चिराग शाह और अश्विनी मेहता के, पर ये लोग मोबाइल से भी बात नहीं करते हैं। वहाँ ऑफिस में जाओ वहाँ मिलते ही नहीं है और वहाँ गुंडे बैठे रहते हैं उनके, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। मतलब 1997 से आज कितना टाइम हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनसुनवाई में आने वाले की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही और सिर्फ उन्हें आश्वासन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार जगत।